कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल हरदा में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत बेटियों की पूजा के साथ की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है, वह भाजपा सरकार की नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। इस योजना से गांव और किसानों की दिशा और दशा बदलेगी। इस अवसर पर उन्होंने सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री कमल पटेल और किसान नेताओं ने कार्यक्रम में सबसे पहले बेटियों के पैर पूजे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। कमल पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर उनको याद किया और सुशासन सप्ताह का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, सुशासन सप्ताह के दौरान घर घर जाकर योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। प्रशासनिक अमला घर घर तक जाएगा, हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण करेगा और पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत मालिकाना हक संबंधी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा। दिव्यांग जनों को 40% से अधिक की दिव्यांगता होने पर प्रमाण पत्र मिलेंगे। आयुष्मान योजना का कार्ड दिया जाएगा। कमल पटेल ने हरदा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हरदा के ग्राम अवगाम कला के किसान राम भरोस विश्वकर्मा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने वाले देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। मैं अटल जी के चरणों में प्रणाम करते हुए क्रिसमस डे की भी शुभकामना देता हूं और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज पूरे भारत में और मध्य प्रदेश में अटल जी की जन्म जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस के रूप में आज का दिन दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हरदा जिले में हमने सुशासन सप्ताह के रूप में इसको प्रारंभ किया है, जिससे हमारा विभाग सरकारी अमला आपकी समस्या का हल करने आपके घर पहुंचेगा, यानी आपकी समस्या का हल आपके घर पहुंचकर आपको घर पहुंच सेवा दी जाएगी निःशुल्क, और जो भी आपके समस्या है उस समस्या का निराकरण करेंगे। हमारा अमला जाएगा, आपसे नाम पूछेगा, आपके परिवार के सदस्य कितने हैं, आपकी जाति क्या है, अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े हैं तो आपको प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म भरवाया जाएगा, और एक दिन के बच्चे से लेकर 100-125 साल तक के भी लोग जीवित हैं उन सबको जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा निःशुल्क, ताकि आपको कहीं तहसीलदार के एसडीएम के कलेक्टर के चक्कर ना लगाना पड़े। ये आजाद भारत में पहली बार है। अगर गांव में कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना तो उसको दिव्यांग सहायता नहीं मिल रही है पेंशन, तो वो चालू की जाएगी और मेडिकल जांच कराकर आपको घर बैठे एम्बुलेंस जाएगी, डॉक्टर की टीम जाएगी और गांव में घर बैठे आपको वो सुविधा देगी। अगर आप वृद्ध है, घर में कोई हमारे उनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है तो पेंशन मिलेगी। अब गांव कला के राम भरोस विश्वकर्मा जी जो देश के पहले किसान हो गए हैं जिनको आबादी का मालिकाना हक मिला। मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी सिंह चौहान, कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे आबादी भूमि स्वामित्व योजना का के अंतर्गत भूमि अधिकार पत्र मिलने से मुझे बैंक द्वारा 1 लाख का लोन पास हो गया। इससे पहले मैं लोन के लिए बैंक के चक्कर लगाकर परेशान था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।